हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए प्रॉपर्टी नंबर वन से देखते हैं। कह रहा है कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेंस अ जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी जीपी के हर एक टर्म में, सभी टर्म में मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है सेम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, तो जो हमें सीक्वेंस फॉर्म होगा वो जीपी में होगा और उसका भी एक सेम कॉमन रेशियो होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट ए वन ए टू ए थ्री इस तरह से ए एन क्या है जी, आपके पास जीपी है ना। यहाँ पे ले लेते हैं कि बी या जीपी, ये जीपी है और इसका कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो आर, इसका कॉमन रेशियो हम लोग आर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए एन प्लस वन और बाई ए एन जो होगा इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, आर आएगा, कॉमन रेशियो हमेशा आर आएगा फॉर ऑल यहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देख लो यहाँ एन की जगह नेचुरल नंबर वन रख दो तो ए टू बाई ए वन आ जाएगा, ए टू बाई ए वन टू रख दो तो ए थ्री बाई ए टू आ जाएगा। ये हमेशा सेम होता है ना, ये जीपी में होंगे तो ये होगा। चलिए इसके बाद हमें क्या कर रहा है कि एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से है ना मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक टर्म में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट के बी अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो अब हम लोग ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी बाय किससे जी, के से। तो जो हमारा न्यू सीक्वेंस होगा वह न्यू सीक्वेंस क्या हो जाएगा तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए वन के ए टू के ए थ्री इसी तरह से आगे बढ़ेंगे के ए एन है ना जी, इसी तरह के टर्म्स होंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा नया सीक्वेंस हो गया। तो इसको देखिए, अगर हम लोग इस सीक्वेंस के nth टर्म की बात करें तो वो n plus 1 टर्म की बात करें तो n plus 1 टर्म ये होगा इस सीक्वेंस का, और nth टर्म की बात करें तो इसका nth टर्म होगा k a n, यही ना होगा जी, इसका nth टर्म ये हो जाएगा और n plus 1 टर्म ये होगा इस सीक्वेंस का, क्योंकि k से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है। चलिए यहाँ k से k कैंसिल, बच जाएगा आपका n plus 1 टर्म और बाई में n टर्म का रेशियो। तो इन दोनों टर्म का रेशियो हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि r है और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे ये भी आपका gp में हो जा रहा है और सेम कॉमन रेशियो r में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द न्यू सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स अ gp विथ कॉमन रेशियो आर। ठीक है, अच्छा डिवाइड करने के लिए भी कह रहा था, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड। अब देखिए ना, लिखते हैं डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी बाय के। कैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू सीक्वेंस क्या आ जाएगा जी, दो पार्ट में था ना जी क्वेश्चन, इसलिए मैं दो पार्ट में इसको बना रहा हूँ। न्यू सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए वन बाई के ए टू बाई के ए थ्री बाई के ए एन बाई के इसी तरह से होगा ना टर्म्स। तो अगर हम लोग इनमें हम लोग बात करेंगे इसके एन प्लस वन टर्म की तो वो होगा ए एन प्लस वन बाई के, और इसके एंथ टर्म की तो ये है ए एन बाई में के, K से K कैंसिल तो आ जाएगा ए एन प्लस वन और बाई में A। तो ये तो हम लोग ऊपर देखे थे R था ना जी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे भी सेम कॉमन रेशियो मिल रहा है और ये भी GP में हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द न्यू सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स अ GP विथ कॉमन रेशियो आर, सेम कॉमन रेशियो मिल रहा है।
देखिए तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी नॉन जीरो कॉन्जेंशन किसी जीपी में, जीपी के हर एक टर्म में, तो वो जो फॉर्म होगा सीक्वेंस वो हमेशा जीपी में होगा और उसका भी कॉमन रेशियो सेम होगा। यहाँ से हमने ये सीखा है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्म जीपी, यानी कि अगर जीपी दिया हो तो उसके सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो वो जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी जीपी में ही होगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। लेट ए वन ए टू ए थ्री इस तरह से हम लोग मान लेते हैं ए एन बी आर जी पी विथ विथ कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो क्या है आर। चलिए तो देन हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि ए एन प्लस वन और बाई में ए एन जो होगा ये हमेशा आर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू यहाँ पर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते थे नेचुरल नंबर, ठीक है हम लोग जानते हैं। अच्छा हमें क्या एक सीक्वेंस जो है इसके क्या करना होगा, इसके टर्म्स को रेसिप्रोकल करके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय द रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑफ द टर्म्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी वो क्या होगा जी? तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए 1 बाई ए वन वन बाई ए टू वन बाई ए थ्री इसी तरह से 1 बाई ए एन इसी तरह से आएगा, है ना जी। तो ये जो हमारा नया सीक्वेंस है इसको देखिए, इस नए सीक्वेंस के लिए तो इसका एन प्लस वन टर्म क्या होगा 1 बाई एन प्लस ए बाई ए एन प्लस वन और एंथ टर्म क्या होगा 1 बाई ए, ठीक है ये ना होगा जी। तो इसको आप देखो तो इसको एक काम करो यहाँ पर इसको ऐसे पलट दो तो ऊपर से वन बाई में आ जाएगा ए एन प्लस वन और बाई में, तो ये इसका वैल्यू क्या है आर न था, ये वन बाई आर के इक्वल हो रहा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वन बाई आर आ रहा है कॉमन रेशियो, तो मैंने ये नहीं ना कहा था कॉमन रेशियो सेम आएगा, नहीं कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल हो जा रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। तो हमने देखा कि यहाँ से अगर टर्म्स को रेसिप्रोकल करने पे जो हमें सीक्वेंस मिला ये भी आपका जीपी में ही रहा, तभी ना इसका कॉमन रेशियो हमेशा 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर मिल रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं। सो द न्यू सीक्वेंस ऑफ द, या फिर ये कैसे लिख सकते हैं, न्यू सीक्वेंस जीपी में है ना, बस इतना ही is a GP, ठीक है ना जी, with common ratio one by r, ऐसे लिख सकते हैं। Next देखिए property number five, if each term of a GP by rising to the same power, the resulting sequence also form a GP। चलिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास suppose कर लेते हैं, let ए वन ए टू ए थ्री ए एन इस तरह से बिया जीपी बिया गिवन जीपी ऐसे जीपी लिखो ना, ठीक है बिया जी विथ कॉमन रेशियो आर। तो जब ये कॉमन रेशियो आर इसका हो रहा है तो इसे आप लिख सकते हैं कि ए एन प्लस वन यानी कि एन प्लस वन टर्म और एन टर्म का रेशियो हमेशा आर है For all n belongs to natural number, या कोई भी natural number रख के देख लो, है ना, a2 by a1 आ जाएगा, a3 by a2, a4 by a3 ऐसे ही ना आएगा इसका वैल्यू, तो ये हमेशा कॉमन रेशियो आर होगा। चलिए देखिए हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे क्या करना है, पावर को राइज करना है ना, राइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे किसी कॉन्स्टेंट को ले लेते हैं, या फिर लगता है कि लेट k be a non-zero रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। द सीक्वेंस सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय राइजिंग राइजिंग टू द पावर पावर ऑफ given GP
बाई के, ठीक है, पावर के राइज करेंगे तो न्यू सीक्वेंस क्या होगा, देखो तो न्यू सीक्वेंस जो हमारा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो जाएगा ए वन का पावर के, है ना जी, यहां पर ए टू का पावर के, ए थ्री का पावर के, इसी तरह से ए एन का पावर के, इस तरह से। तो हमें चेक करना जीपी में, तो इसके लिए हम लोग अगर हम लोग इसमें इसके एन प्लस वन टर्म की बात करें तो ए ए एन प्लस वन का पावर के होगा, इसके एंथ टर्म की बात करें तो ए एन का पावर के होगा, सब में पावर के करना है ना जी। तो यहाँ पे देखो इसे ऐसे नहीं ले सकते, ए एन और बाई में ए एन प्लस वन और बाई में ए एन का होल पावर के कर देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है, आर था, आर का पावर के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू रेशियो। तो देख रहे हैं हमें हमेशा कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है, आर का पावर के मिल रहा है। तो हेंस द न्यू सीक्वेंस इज अ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर का पावर के, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स equidistance from the beginning and the end always same and is equal to the product of the first term and last term। देखिए क्या कह रहा है कि किसी GP में product किसका किसका, equidistance from the beginning and the end, starting से और end से जो equidistance पे होंगे, यानी कि इधर से first term तो उधर से first term, इधर से second तो उधर से second term, इधर से third तो उधर से third term, उनका product जो होगा वो हमेशा किसके equal होगा, product of first term and last term के, ठीक है ना जी। तो ये हमें यहाँ पर देखना है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इसके प्रूफ के लिए, देखिए क्या करते हैं, ले लेते हैं कि लेट ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करके ए एन बी अ फाइनाइट जीपी, ठीक है, अच्छा विथ इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, विथ कॉमन रेशियो आर। Then, अच्छा अगर बात करेंगे हम लोग इसके kth term from the beginning से kth term क्या होगा, तो उसको एक के से डिनोट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, a r का पावर k माइनस वन, a के जगह पे आप a वन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग a वन से ना डिनोट करें, चलिए। अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे kth term from the end से अगर kth term देखें तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं अगर kth term end से देखना है तो वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, n माइनस k प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, बिगिनिंग से आपका ये क्या हो जाएगा जी, एन माइनस के प्लस वन टर्म के इक्वल होगा। तो ये कौन सा टर्म होगा स्टार्टिंग से देखेंगे तो ए एन माइनस के प्लस वन, इसके लिए क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म इनटू में आर का पावर एन माइनस के प्लस वन माइनस वन, ठीक है ना, पावर एक कम कर देते हैं, यहां हो जाएगा ए वन आर का पावर एन माइनस के, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो अगर हम लोग kth term स्टार्टिंग से और इन से देखें, या फिर लिख सकते हैं kth term इन दोनों का प्रोडक्ट, kth term from the beginning kth term from the beginning into में kth term from the end, तो किसके इक्वल हो जाएगा जी, तो इसका वैल्यू देखिए यहां पर है ए वन इंटू में आर का पावर के माइनस वन इंटू, तो इन वाला यहां पे देखिए क्या है, ए वन आर का पावर एन माइनस के। चलिए तब इसको देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म एक अकेले रखते हैं और फिर ए वन और इंटू में यहाँ पावर ऐड कर लेंगे तो आर का पावर हो जाएगा एन माइनस वन, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो देखो तो ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, एंथ टर्म है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि के टर्म बिगिनिंग से और के टर्म इन से वो किसके इक्वल, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस
Hence, the product of the terms, equidistant from the beginning and the end is always same and is equal to the product of the first and the last terms. यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इतनी ही प्रॉपर्टी लेने दे, एक ही वीडियो में ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छे से आप समझ भी नहीं पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।